मैग्नेट वाला हिस्सा ये नीचे जाएगा और ये क्रैंक वाला शाफ्ट ऊपर जो है इंजन जो बनाने वाले हैं, यानी कि आग को बंद करके इंजन हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास पॉलीथीन है, इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरीके से ढक लेना है इस तरीके से। अब जो है गाइस हमें जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब हम इसका इंजन को बनाएंगे। तो गाइस सबसे पहले जो है गियर बक्सा को फिटिंग करेंगे। गियर बक्सा कैसे फिटिंग होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हमारा इनपुट है, इस इनपुट को लगाना है। तो इनपुट को हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्टर में डालेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हमारा इनपुट डल चुका है, अब इसका जो है वार्सल वगैरह डालना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम वार्सल डालेंगे यहाँ पर, एक वार्सल डलेगा, उसके बाद ये हमारा जो पैनियन है ये डलेगा नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। अब जो गाइस इस साइड का एक वार्सल डलेगा, ये वाला यहाँ पर डाल देंगे, ये वार्सल डल गया। अब जो है गाइस यहाँ का जो है ये वाला पैनियन, इस पैनियन को यहाँ पर लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो है गाइस यहाँ पर फिर से एक वार्सल डलेगा इस तरीके से, ये वार्सल डल गया। अब जो है गाइस हमारा ये जो है चार नंबर का पैनियन, अब ये डलेगा इस तरीके से, ये डल गया, ठीक है। अब जो है गाइस यहाँ पर हमारा एक वार्सल है, इस वार्सल को यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये हमारा समझ लो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेट हो गया बिल्कुल। अब लगाएंगे हम क्रैंक असेंबली। तो गाइस ये है मैग्नेट वाला हिस्सा, ये नीचे जाएगा और ये क्रैंक वाला शाफ्ट ऊपर जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा जो है क्रैंक बिल्कुल आसानी से बैठ गया। अब जो है गाइस अब इसका हम आपको जो है कवर लगा के दिखाते हैं। अभी हमने पैकिंग नहीं लगाया, आप चाहे तो पैकिंग लगाकर कंप्लीट कर लो, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इस तरीके से कर रहा हूं। तो अब देखिए मुझे इसको लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से यहां पर आपको डालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और प्लास के मदद से इसको यहां पर सीधा रखना पड़ता है इस तरीके से, तो गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है बैठ गया। अब जरा सा भी किर किर की साउंड नहीं करती है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं, पन्नी हटा दिया, क्या सही लगा है क्या गलत लगा है, अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये चीज बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, ठीक है।
क्रैंक भी हमारा ठीक बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम गियर को देख लेते हैं, गियर भी बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, इधर का भी बिल्कुल ठीक है वार्सल वगैरह। अब सेलेक्टर देख लेते हैं, सेलेक्टर भी बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। तो गाइस हम सक्सेस हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।